पुराने समय में लोग कहते हैं जी कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं जी इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीज़ें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत, ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं, वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा? आज वाले ने कहते वो तो लिखा है, किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखे ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, थे तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था, और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते हैं, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां से 1.5 किलोमीटर चले जाओ, महाभारत के निशान मिल जाएंगे। ये बारनावत यहीं पास में ही है। तो ये गलत बात है, और हैरानी होती है, चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं, और साइंस की ABCD नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में, पवित्र वेदों में ये लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले वो समुन्द्र की तहलटी से मिले, यानी समुन्द्र के बिल्कुल नीचे से मिले। आपको सुन के क्या लगा? छोटी सी बात लगी? नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस समय भी लोग समुन्द्र के नीचे जाके सोना निकाल लाते थे। कैसे? या तो पनडुब्बियां होंगी या ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। तो ये आपकी साइंस तो आज बनी है, उनके पास तो पहले ही था सारा सामान, तभी तो उनको पता चला कि समुन्द्र की तहलेटी में सोना है। आज देख लीजिए आप, समुन्द्र से सोना निकालते हैं विदेशों में, वैक्यूम लगा लेते हैं और ऊपर मशीनें लगी होती हैं, वैक्यूम से वो सारा नीचे से समुन्द्र से निकलता है और वो छनता है, और जो उसका एक प्रोसीजर है, तो उस तरीके से वो गोल्ड लोग प्राप्त कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मोती मिलते हैं, सब कुछ है। तो हमारे पवित्र ग्रंथ जो हैं वो सच्चे थे, सारे धर्मों के सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे।